हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पूजा, एक होम्योपैथी फिजिशियन, और आज मैं आपके लिए लाई हूँ पीलिया यानी कि जॉइंटिस। जॉइंटिस में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है, और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है, और कौन कौन से इसके घरेलू उपचार हुए, ये आज मैं आपको बताऊंगी। यदि आपको मेरी जानकारी महत्वपूर्ण लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बात करते हैं पीलिया रोग की। पीलिया रोग क्या होता है कि अधिकांश अशुद्ध पानी के कारण ज़्यादा होता है। इसका जो मुख्य कारण माना गया है वो खून का शरीर में ना बनना इसका मुख्य कारण माना जाता है, क्योंकि अगर हमारे शरीर में खून नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे शरीर में पीलापन आ जाएगा। तो पीलापन आएगा तो सबसे पहले हमारी आंखों का जो वाइट पार्ट होता है उसमें हमें पीलापन दिखाई देने लगेगा। धीरे धीरे हमारी बॉडी पीली पड़ने लगेगी और हमारा यूरिन जो है, जो हमारा पेशाब है, वो भी पीला आने लगना शुरू हो जाता है। पीलिया के रोग में ना तो पेशेंट को भूख लगती है और उसको खाने को देखकर मितली जैसा मन होता है, वॉमिटिंग जैसा मन होता है, सुस्ती आने लगती है, लेजीनेस रहता है, जैसे नींद सा उसमें हो रहा हो, नींद आना बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसका जो मुँह का टेस्ट है वो कड़वा हो जाता है, उसे कोई भी अच्छा नहीं लगता है। जब भी वो कुछ खाता है तो उसके कड़वापन जैसा लगता है। और जो उसकी नाड़ी होती है, उसकी जो नब्ज होती है, वो स्लो चलना शुरू कर देती है और शरीर में अनिद्रा, खुजली, ये सारे सिम्टम्स में आने शुरू हो जाते हैं। जब भी आपको ऐसी कंडीशन आए तो समझ लेना कि आपको जॉइंटिस की प्रॉब्लम है और आप अपना जॉइंटिस का टेस्ट करा सकते हैं। बात करते हैं कि पीलिया में कौन कौन से घरेलू उपचार होते हैं, तो उसके बारे में आज हम बताते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि इसमें क्या दे सकते हैं पेशेंट को। जो कड़वा नीम होता है, गांव में देखा जाता है कि जो कड़वा नीम होता है उसकी जो ऊपर की कोपल्स होती है, जो सॉफ्ट उसकी पत्तियां होती हैं, उनको तोड़ करके, उनको पीस कर, उसमें मिश्री मिलाकर गर्म करके, और गर्म करने के बाद ठंडा करके उसको मिला देना चाहिए। उससे क्या होता है कि पीलिया ख़त्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि नीम में ऐसे बेनिफिट चीज़ें होती हैं जो हमारे ब्लड को शुद्ध करने के लिए, ब्लड को एक्टिव करने के लिए काम करती हैं। इसके अलावा हम नीम का जो रस होता है, रस निकालकर उसके पत्तियों का, और उसमें घी मिलाकर, शहद मिलाकर उसको चटाने से भी पीलिया का बीमारी दूर हो जाता है। देखा गया है कि त्रिफला जो चूर्ण होता है उसको शहद में मिलाकर सुबह शाम उसको चटाने से भी पीलिया बहुत हद तक ठीक हो जाता है, या त्रिफला चूर्ण का काढ़ा बनाकर उसमें घी और शहद मिलाकर देने से भी पीलिया का रोग ठीक हो जाता है। जो बेल होती है, जो बेल का पेड़ होता है, उसका पत्तियों का रस निकाल करके, काली मिर्च का चूर्ण मिला करके सुबह शाम दो दो चम्मच पिलाने से भी पीलिया बीमारी ठीक हो जाती है। इन सारी चीज़ों में से कोई भी आप एक कर सकते हो। बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो बल्वेरिस वल्गेरिस का मदर टिंचर, इसकी 15 से 20 बूंदे 1/4 कप पानी में मिलाकर सुबह शाम दोपहर पीने से बीमारी ठीक हो जाती है। आप इसको एक जो घरेलू उपाय है इनके साथ भी इस मेडिसिन को दे सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और इसका बहुत जल्दी असर होता है। कम से कम 2-3 महीने तक ये दें तो कभी ज़िंदगी में पीलिया नहीं होगा, क्योंकि हमारे अंदर से वो बैक्टीरिया वायरस ख़त्म हो जाएंगे जिससे हमें पीलिया होने के चांसेस रहते हैं। तो आप इसको दे सकते हैं, आप इसको नॉर्मल भी ले सकते हैं अपने ब्लड को शुद्धिकरण करने के लिए, ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए। नीम बहुत ही कारगर माना जाता है, तो आप इसको ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।